नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंबिका सिलाई मशीन में। आज हम आपको बताएंगे बड़ी मशीन में नीचे का धागा खराब आ रहा है तो उसके तीन कारणों से हम आपको समझाएंगे और दिखाएंगे कैसे उसे ठीक करते हैं और अच्छी तरीके से समझाएंगे। पूरा वीडियो लास्ट तक देखना और अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट भी कर देना। चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ये देखो, मैं सिलाई मार धागा लगा के सिलाई मार रहा हूँ बट पीछे की सिलाई बहुत ही खराब आ रही है, एकदम अच्छी तरीके से नहीं आ रही है। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसी सिलाई आती है। ये देखो, बहुत ही खराब सिलाई आ रही है। तो इसका कैसे हम ठीक करेंगे, अच्छी तरीके से हम बताएंगे। तीन कारण होते हैं इस ऐसी सिलाई आने के, ठीक है। ये देखो, पहला कारण क्या है, ये देखो, यहाँ पे सही से धागा डला नहीं है। यहाँ पे पहले यहाँ से ही होता है शुरुआत कि यहीं सही से धागा नहीं आता तभी ऐसी सिलाई आती है, ठीक है। ये धागे को अंदर की तरफ कंप्लीट होना चाहिए, अच्छी तरीके से अंदर पूरा जाना चाहिए। उसके बाद ये टेंशन तार आता है, वो तार में अच्छे से बैठना चाहिए, ये तार में ही नहीं है धागा, ठीक है। तो हम इसे पहले इसको डाल के एक बार चेक करते हैं कैसे सही करेंगे, ठीक है। ये देखो, मैंने निकाल दिया, ये देखो मैं धागा डाल रहा हूँ। इसको अच्छी तरीके से इसके बीच में डालना है और यहाँ से ये स्प्रिंग में लाना है, ठीक है। ये स्प्रिंग, हम धागा खींचते हैं तो ये स्प्रिंग मूवमेंट होनी चाहिए, अच्छी तरीके से ऊपर नीचे होनी चाहिए तभी अच्छी सी सिलाई आएगी। उसके बाद ये लुप्पल में डालना है, ठीक है। ये देखो, मैंने डाल दिया, ये लुप्पल के बाद यहाँ डालेंगे और यहाँ डालेंगे और सिलाई लगा के देखेंगे अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही है। उसके बाद हम दूसरा ट्राई करेंगे, नहीं आती है तो दूसरा भी उपाय बताएंगे कैसे दूसरे उपाय से हम ठीक करेंगे। ये देखो, हम सिलाई लगा रहा है, ये देखो अच्छी तरीके से सिलाई आती है नहीं आती है, हम देख के आपको बताते हैं कि अभी भी नहीं आती है तो क्या करते हैं, ठीक है। ये मैंने लगाई और ये देखो, ये अच्छी तरीके से आ गई है, ये देखो अब परफेक्ट तरीके से आ गई है। तो उसका क्या कारण था, यहाँ पे दोरा अच्छी तरीके से लगा नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे परफेक्ट तरीके से लगाना है और अभी भी नहीं आ रही है तो हम नीचे की बॉबिन लेंगे, बॉबिन को अच्छी तरीके से देखेंगे, बॉबिन में कुछ फोल्ड है कि नहीं। ये देखो, बॉबिन टाइट नहीं होनी चाहिए, बॉबिन का दोरा भी थोड़ा सा लूज होना चाहिए, ठीक है। तो इसको यहाँ से लूज करते हैं, ये स्क्रू है, ये स्क्रू को हम ढीला करेंगे, ठीक है। ये स्क्रू को हम ढीला करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा ढीला करना है और दोरा धागा थोड़ा सा ढीला हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, मैंने थोड़ा सा ढीला कर दिया। उसके बाद भी नहीं आती है तो तीसरा कारण क्या होता है, ये फूट होता है, प्रेशर फूट होता है, वो हल्का सा ऊपर रहता है। ये देखो, इतना ऊपर रहेगा तो अभी सिलाई ऐसी आएगी, तो उसको सही कहाँ से होगा, यहाँ से वो सही होगा। ये प्रेशर नट है, इसको हम टाइट ढीला करना पड़ेगा, टाइट करोगे तो ये प्रेशर है वो प्रेशर अच्छी तरीके से बैठ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये इसको थोड़ा सा हल्का सा ढीला करना है तभी से अच्छे से फिटिंग से सिलाई आएगी, ठीक है। और एक बार ये टेंशन भी हमें चेक कर लेना है, ये टेंशन थोड़ा सा खोल के हम निकाल लेंगे, इसमें कचरा तो नहीं फंसा हुआ है ना। इसको ऐसे करके ये डिश को थोड़ी सी हिला देंगे क्योंकि उसमें कचरा फंसा होगा तो वो निकल जाएगा और दोरा आसानी से फिट आएगा, ठीक है। यहाँ से दोरा फिट आना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए। ये हम धागा डालते हैं ना तो ये धागा टाइट होना चाहिए तभी अच्छी सी सिलाई आएगी, ठीक है। हमने ये कचरा निकाल दिया और वापस इसको हमने वापस से फिट कर दिया। ये देखो, मैं खींच रहा हूँ तो धागा अच्छे से टाइट आ रहा है, एकदम ढीला नहीं आ रहा है, एकदम लूज भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसको हम टाइट करेंगे तो दोरा धागा थोड़ा सा टाइट आएगा। ये देखो, अब मैं ढीला कर दिया तो थोड़ा सा लूज आएगा, ठीक है। इसको पहला ये कारण है, यहाँ से सेटिंग अच्छे से करना है। उसके बाद नीचे जो हम बॉबिन डालते हैं वो बॉबिन का आपको देख लेना है, एक बार ये बॉबिन का देख लेना और एक बार ये मेन चीज़ है, ये प्रेशर है, वो हम प्रेशर फूट नीचे डालते उसका प्रेशर अच्छा होना चाहिए, एकदम टाइट प्रेशर होना चाहिए तभी ये
ये प्रेशर फूट है, एकदम अच्छे से बैठेगा, बैठेगा तो आपका कपड़ा है वो कपड़ा अच्छे से खींचेगा, ठीक है। ऐसा होना चाहिए, कपड़ा निकल नहीं जाना चाहिए, ये टाइट कपड़ा रहना चाहिए, ठीक है। ये तीन कारण है इसके ऐसी सिलाई आने के, ऐसी सिलाई तभी आती है, यहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है तभी ऐसी सिलाई आती है, ठीक है। एक बार और चेक कर लेना, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और नीचे कमेंट में लिखना, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हम उसका आंसर देंगे और हो सके तो एक और नया वीडियो डाल देंगे। थैंक यू, सब्सक्राइब भी कर दें।